वाले हैं ट्रिक्स फॉर ऑक्सी एसिड्स। देखो ऑक्सी एसिड्स को लेके दो टाइप की कंफ्यूजन होती है, एक तो होगी मेटा पाइरो ऑर्थो एसिड ये वाली, और दूसरी होती है हाइपो अस अस इक पर इक ये वाली कंफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले है मेटा एसिड। किसी भी पर्टिकुलर एसिड का मेटा एसिड कैसे बनाए, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। जो मेटा वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एम लेटर से, ठीक है, एम लेटर से हमें याद आएगा मोनो। ठीक है, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। अब ये हमारे पास ट्रिक बन गई एम से मोनो, मोनो का मतलब वन, तो हमारे पास वन से ट्रिक बन गई कि अगर हम वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा उस एसिड का, मेटा एसिड। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक आ गई कि मेटा स्टार्ट हो रहा है एम से, एम से हमारे पास आया मोनो, मोनो का मतलब वन, तो वन से हमें याद आया वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर को रिमूव कर दें तो बन जाएगा मेटा एसिड। इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। देखो ये है, मान लो ये है फॉस्फोरिक एसिड, अब इसका बनाना है हमें मेटा एसिड, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, HPO3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये था हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, सिंपल है। अब मेटा एसिड के बाद हम करेंगे पाइरो एसिड, सेकेंड पे है पाइरो एसिड। इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है, देखो पाइरो स्टार्ट हो रहा है पाई से, पाई, पाई को रिप्लेस कर देना है बाई, पाई बाई, पाई को रिप्लेस कर देना है बाई से। अब बाई मतलब क्या होता है, टू। अब टू से हमें याद आएगा हमारी ट्रिक क्या बनेगी कि टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से अगर हम वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर को रिमूव कर दें, वॉटर को रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाइरो एसिड। ठीक है, देखो मेटा में क्या था, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाला था, पर यहां हमारे पास आ रहा था पाई, पाई से हमें याद आया बाई, बाई मतलब टू, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिमूव कर दें तो बन जाएगा पाइरो एसिड। अब सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये है मान लो हमारे पास H3PO4, ये क्या है हमारे पास मान लो फॉस्फोरिक एसिड है, अब इसका हमें पाइरो एसिड बनाना है, तो ट्रिक क्या है, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में से टू मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इसके, एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल वॉटर का रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, H4P2O7, ये हमारे पास क्या बन गया, पाइरो एसिड, ये हमारे पास बन गया पाइरो एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये उसका पाइरो एसिड। अब लास्ट कंफ्यूजन है ऑर्थो एसिड, ऑर्थो एसिड देखो ये तो सबसे आसान है, बहुत ईजी है। देखो ऑर्थो फिर से वही, हमने पहले लेटर को लेके चलना है, ऑर्थो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, जीरो मतलब इसका मतलब कुछ नहीं है, जीरो मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मान लो ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसका अगर हमें ऑर्थो एसिड बनाना है तो ऑर्थो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, तो फॉस्फोरिक एसिड का ऑर्थो एसिड भी सेम होगा बिल्कुल बिना चेंज के, मतलब ऑर्थो सिर्फ नाम के लिए लगाया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये हमें कहां से पता चला, जीरो से, कि इसका जीरो एग्जिस्टेंस है। जैसा फॉस्फोरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है, जैसा सल्फ्यूरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसा क्लोरिक एसिड है वैसा ही ऑर्थो क्लोरिक एसिड है, सिंपल है। अब देखो ये हमारे पास चार टाइप के एसिड आएंगे, हाइपो अस अस इक एंड पर इक। अब सिंपली एक काम करना है, इनके सिर्फ नाम को देखना है, ठीक है, क्या करना है, इनके सिर्फ नाम को देखना है। अब इनके नाम को देखो, देखो हाइपो, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और पर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, हाइपो का मतलब कम और पर का मतलब ज्यादा, तो हमें एक बात पता चल गई कि जब हम हाइपो से पर की तरफ आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है, मतलब सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हाइपो अस एसिड की, उससे ज्यादा होगी अस एसिड की, उससे ज्यादा होगी इक एसिड की, और सबसे ज्यादा होगी पर इक एसिड की। अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। देखो ये क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, तो मैंने क्या बोला था कि ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग में सिंपली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ खेलना है, ठीक है, तो हम सब में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो HClO में होगी +1, HClO2 में +3, HClO3 में +5, HClO4 में +7, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स है क्लोरीन की। ठीक है, अब देखो अब सिंपली अपनी वो लगाते हैं कि सबसे कम जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगा हाइपो अस फिर इक फिर पर इक, ये वाला लगा देते हैं सिंपली। देखो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाइपो, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, फिर उससे ज्यादा क्लोरस एसिड, फिर उससे ज्यादा पर
क्लोरिक एसिड, फिर सबसे ज्यादा परक्लोरिक एसिड, वही चीज याद रखनी है, हाइपो मतलब कम और पर मतलब ज्यादा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें सबसे कम वो हो जाएगा हाइपो और जिसमें सबसे ज्यादा पर, ठीक है, हाइपो अस अस एक पर एक, सिंपल है। देखो जैसे क्लोरीन के चारों एसिड प्रेजेंट होते हैं, हाइपो अस भी एक भी पर एक भी, ठीक है, हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक पर क्लोरिक, तो जरूरी नहीं है कि सल्फर के भी चारों प्रेजेंट हो या फास्फोरस के भी चारों प्रेजेंट हो, ठीक है, किसी एलिमेंट के दो प्रेजेंट होते हैं, किसी का एक प्रेजेंट होता है, किसी के चारों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सबके सारे मत बना देना। देखो जब भी सिलिकेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में ये वाली यूनिट आती है, सिलिकेट्स की जो सबसे बेसिक यूनिट है। अब हमें करना है दो काम, देखो जो ये ऑक्सीजन है जो इसमें चार है इसको 0.5 डिग्रीज करते चलना है, और जो चार्ज है ये -4 जो चार्ज है उसको 1 का डिक्रीज करते चलना है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है उसमें 0.5 का डिक्रीज करते चलना है मतलब 3.5, और इसमें चार्ज में 1 का माइनस करते चलना है मतलब ये हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज यानी हो जाएगा 3, और चार्ज में 1 का डिक्रीज। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज यानी हो जाएगा 2.5, और चार्ज में 1 का डिफरेंस, ये -1। अब क्या बनेगा लास्ट, ऑक्सीजन में 0.5 का डिक्रीज और चार्ज में 1 का, मतलब यहां पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में काम करती है, प्रियंका चोपड़ा यानी पीसी हॉलीवुड में काम करती है, तो हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ी बड़ी मूवीज जैसे 3D मूवीज बनाए, ठीक है, हॉलीवुड में काम करती है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3D मूवीज बनाए, पर वो अब भी 2D मूवीज बना रही है, तो हम उसको एडवाइस दे रहे हैं कि तू 2D मूवी छोड़ के अब 3D बनाया कर, तो यही अपनी ट्रिक है कि ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज को छोड़ अब 3D बना, ठीक है, ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज को छोड़ अब 3D बना। तो ओ से हमारे पास आया ऑर्थोसिलिकेट, पी से पायरोसिलिकेट, सी से साइक्लिक सिलिकेट, 2D से 2D सिलिकेट और 3D से 3D सिलिकेट। अब देखो वो प्रियंका चोपड़ा वाली लगाते हैं, देखो ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज नहीं 3D बनाया कर, ओ प्रियंका चोपड़ा 2D मूवीज नहीं 3D बनाया कर, तो ये हो गया ऑर्थोसिलिकेट्स, ये हो गया पायरोसिलिकेट्स, ये हो गया साइक्लिक सिलिकेट्स, ये हो गया 2D सिलिकेट्स और ये हो गया 3D सिलिकेट्स। वीडियो देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स के रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं के बेस पे इस वीडियो को पूरा तैयार किया, उसी फ्लो में उसी पैटर्न पे तैयार किया कि ऑटोमेटिकली आपके हिट पॉइंट्स की जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑटोमेटिकली पूरे वो ही कवर हो जाए, ठीक है। देखो कार्बन के एलोट्रॉप्स दो टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन या अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में कौन से आएंगे अपने पास, डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलरीन, अमोर्फस में आएंगे कॉल चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। अब देखो इनके बारे में सिर्फ हमें इतनी बात याद रखनी है कि अमोर्फस अमोर्फस जो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के वो है कॉल चारकोल लैम्प ब्लैक, इसमें और कुछ खास इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इनसे, तो इनको अपने को कवर करना है। अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका कवर करने का क्या है कि डायमंड और ग्रेफाइट को तो कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, डायमंड और ग्रेफाइट को हमेशा कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, और फुलरीन को हम अलग से अकेले में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायमंड और ग्रेफाइट की कंपैरिजन देख लेते हैं, उसी में ऑटोमेटिकली अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, डायमंड में इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन अब्सेंट, ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट। अब देखो इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोसिटी को कंडक्ट करा देगा। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन अब्सेंट है तो ये बेचारा हो जाएगा इंसुलेटर, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखो, मैं एक लाइन बोल रहा हूं उसको याद रखना, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि थर्मोडाइनमिकली, ठीक है, ये जो निशान बनाया ना मैंने ऐसे ये हीट का, ये थर्मोडाइनमिक्स है, थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, ठीक है, मैं फिर से लाइन बोल रहा हूं, थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। अब देखो अपना डायमंड भी हो चुका है, ग्रेफाइट भी हो चुका है, बच्चा फुलरीन। अब देखो फुलरीन के रिलेटेड जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं एक झटके में उड़ा देते हैं। देखो पहला पॉइंट है फुलरीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो फुलरीन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होती है, फुलरीन क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है फुलरीन में डीबी, डीबी मतलब डैंगलिंग बॉन्ड्स, डैंगलिंग बॉन्ड्स अब्सेंट होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कि फुलरीन जो है वो मेड अप ऑफ सी सिक्सटी एंड C70 से मिलके बना है फुलरीन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो C60 होता है, यहाँ पे C60 है, जो C60 होता है उसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। जो C60 है उसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। अब जो बकमिंस्टर फुलरीन है यानी C60, उसमें क्या होता है, उसमें दो टाइप की रिंग्स होती हैं, एक तो 6 मेंबर रिंग, एक है 5 मेंबर रिंग। अब 6 मेंबर रिंग का नंबर होता है 20 और 5 मेंबर रिंग का नंबर होता है 12। तो मैं तो इसको ऐसे याद रखता था कि ये 6 मेंबर रिंग है तो 6 और ये है 20, तो 206, 206 हड्डियां होती है ह्यूमन में, तो ये 206 करके मेरे को याद हो जाता था। ठीक है, फॉस्फोरस के तीन एलोटॉप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। और ब्लैक फॉस्फोरस की दो फॉर्म्स होती हैं, अल्फा ब्लैक एंड बीटा ब्लैक। अब इनके बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको जल्दी 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 उड़ा देते हैं एक झटके में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सोल्युबिलिटी की। जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा उसी को डिक्टेट कराऊंगा। ठीक है, तो सिंपल लाइंस लिखी हुई है कि ये फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो इनकी हमें सोल्युबिलिटी बतानी है, किसमें, वॉटर में एंड CH2 में। तो देखो, व्हाइट फॉस्फोरस वैक्स नेचर का होता है, वैक्सी नेचर का होता है, वैक्स होता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखें, देखो ऐसे करना, W फॉर व्हाइट, W फॉर वैक्स, सिंपल है। और जो रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस होते हैं वो दोनों होते हैं सॉलिड नेचर के। इतनी बात क्लियर है, व्हाइट फॉस्फोरस वैक्स नेचर का, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस सॉलिड नेचर के। अभी देखते हैं सॉल्युबिलिटी को कैसे याद रखें। देखो ये है वैक्स नेचर का। अब वैक्स आपने देखा होगा, मोमबत्ती, मोमबत्ती होती है, मान लो आप मोमबत्ती को पानी में डाल दो, वॉटर में डाल दो, तो आपको भी पता है कि वो डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, पर फिर भी ये वैक्स नेचर का था, मतलब थोड़ा सॉफ्ट था, तो हमने फिर भी जोर जबरदस्ती लगा के इसको किसी तरह CH2 में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों है सॉलिड, ये दोनों है सॉलिड, यहां पे हमने वैक्स पे जोर लगाया था, कुछ जबरदस्ती की थी, तब जाके यहां पे डिसॉल्व हुआ था। ये दोनों है सॉलिड तो इनका तो कोई चांस ही नहीं बनता डिसॉल्व होने का। तो ये अपना एनसीईआरटी का क्लियर है कि व्हाइट फॉस्फोरस CH2 में डिसॉल्व होता है, बाकी सब में क्रॉस मार दो, सिंपल है। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करें, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, बहुत सिंपल है। चार फॉस्फोरस पकड़ने हैं और आपस में मिला देना है। ठीक है, चार फॉस्फोरस पकड़े और आपस में मिला दिया, जितने भी पॉसिबल बॉन्ड हो सकते थे बना दिया। ये तो हो गया व्हाइट फॉस्फोरस। अब रेड में क्या करना है, जो ये बीच में दो बॉन्ड थे ना, इनमें से एक को उड़ा देना है। देखो चार फॉस्फोरस पकड़े और आपस में मिला दिया। अब मैंने क्या बोला था, जो बीच में बॉन्ड थे उनमें से एक को उड़ा देना है। अब ये वाला बॉन्ड जब उड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सिंपल। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इनकी प्रिपरेशन पे। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जैसे कि रेड फॉस्फोरस की प्रिपरेशन कैसे होगी, अल्फा ब्लैक की कैसे होगी, बीटा ब्लैक की कैसे होगी। ठीक है, देखो पूरा फ्लो में चलते हैं, पूरा फ्लो में। फ्लो में क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाइट फॉस्फोरस, फिर हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस, फिर ब्लैक के दो पार्ट है तो ब्लैक का अल्फा पहले आना चाहिए, अल्फा पहले आना चाहिए और बीटा बाद में आना चाहिए। तो इतना सा फ्लो आपको समझ आता है ना, सिंपल है, व्हाइट, रेड, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक। अब देखो सिंपल सा फ्लो पकड़ना है, जैसे मैं करूंगा ना वैसे ही उसको फ्लो में ही पकड़ना। देखो व्हाइट को हीट करेंगे तो बन जाएगा रेड फॉस्फोरस, रेड को हीट करेंगे तो बन जाएगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस। अब देखो बीटा ब्लैक, ये स्टेप नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि ब्लैक से हम ब्लैक नहीं बना सकते, ब्लैक से हम ब्लैक नहीं बना सकते, तो ये कहां से बनेगा, ये बनेगा व्हाइट से, इसको हीट करेंगे ये बन जाएगा, सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले है क्रोमियम+3। क्रोमियम+3 होता है ग्रीन कलर का, तो इसको सिंपली याद रखना है ग्रीन क्रॉप्स, ग्रीन क्रॉप्स, ग्रीन से हमारे पास आया ग्रीन कलर और क्रॉप से हमारे पास आया क्रोमियम+3, Cr+3। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर+2, Cu+2 होता है ब्लू कलर का, तो इसको कैसे याद रखना है, सिंपल एक वर्ड, क्यूब, क्यूब, क्यूब में Cu से हमें याद आएगा कॉपर+2 और Be, से हमें याद आएगा ब्लू, तो कॉपर+2 होता है ब्लू कलर का। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है Fe+3, Fe+3 होता है ब्राउन कलर का, तो सिंपल एक वर्ड याद रखना है, फाइबर,
फाइबर, फाइबर के एफ से हमें याद आएगा Fe+3 और Br से हमें याद आएगा ब्राउन, ठीक है। अब लास्ट है Mn+2, Mn+2 होता है पिंक कलर का, तो इसको याद रखने के लिए सिंपली एक वर्ड याद रखना है, पोकीमोन, पोकीमोन। तो पोकीमोन से हमें याद आ जाएगा कि पिंक होता है Mn+2, ठीक है।